एप्पल आईफोन यूज करने पर क्यों लगा 12 करोड़ रुपए का जुर्माना और ये पेट्रोल पंप वाली कंपनी एक लीटर पर कितना पैसा कमाती हैं और क्या आप जानते हैं कि आई और जे के ऊपर इन बिंदियों को डॉट्स नहीं बल्कि कुछ और कहा जाता है। तो आइए जानते हैं ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। नंबर 5, आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है या तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन 2013 में वॉक्सवैगन ने एक ऐसी कार बनाई थी जो अगर इंडिया में आ जाए तो पेट्रोल की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। इस कार का नाम वॉक्सवैगन XL1 है। ये एक लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलती है। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि फ्रिज के डोर मैग्नेटिक क्यों होते हैं? दरअसल 1956 से पहले फ्रिज में गेट की तरह ही हैंडल हुआ करता था जो कि सिर्फ बाहर की तरफ से ही खुलता था, जिसकी वजह से कई बार बच्चे फ्रिज में अपने आप को लॉक कर लेते थे, जिसके बाद से फ्रिज में ये मैग्नेटिक डोर्स आने लगे ताकि ये अंदर और बाहर दोनों से खोला जा सके। नंबर 3, शायद ही आपने कभी ध्यान दिया होगा कि ये जो बिंदी आप आई और जे के ऊपर देखते हैं इन्हें डॉट्स नहीं बल्कि टिटल कहा जाता है, लेकिन ये मुझे कभी भी स्कूल में नहीं बताया गया। नंबर 2, पेट्रोलियम कंपनी जैसे कि HP और भारत पेट्रोलियम, इनका प्रॉफिट एक लीटर पेट्रोल में लगभग 3.5% होता है, यानी कि अगर पेट्रोल 105 रुपए पर लीटर है तो एक लीटर पर कंपनी को 3.67 रुपए का प्रॉफिट होगा और डीजल पर 3%, यानी कि अगर डीजल 90 रुपए पर लीटर है तो एक लीटर डीजल पर कंपनी को 2.70 रुपए का प्रॉफिट होगा। नंबर 1, सैमसंग ने जेनिया सोबचक लेडी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जेनिया को पब्लिक में सिर्फ सैमसंग का ही मोबाइल यूज करने को कहा गया, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान जेनिया को एप्पल आईफोन X को यूज करते हुए देखा गया, यानी कि सैमसंग की ब्रांड एम्बेसडर होकर आईफोन का इस्तेमाल, वो भी पब्लिक के सामने, जिसके बाद सैमसंग ने जेनिया पर पूरा 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इन फैक्ट्स के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और खीरी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।